अब बात कर लेते थे जी डी पार्ट की, जो कि हमारा है जी टिम्पेनोमेट्री। इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं जी। टिम्पेनोमेट्री वाज इन्वेंटेड बाय द टर्कलसन एंड स्कॉट नेल्सन इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोअकुस्टिक डिवाइस दैट मेजर द एडमिटेंस ऑफ द ह्यूमन ईयर अक्रॉस अ रेंज ऑफ साउंड प्रेशर इंट्रोड्यूस्ड इन टू द सील्ड आउट ईयर केनाल बाय अ प्रेशर पंप। अब इसके अंदर टिम्पेनोमीट्री के अंदर ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ये आपके मिडिल ईयर के फंक्शन को चेक करता है। मिडिल ईयर का कौन सा फंक्शन? एयर प्रेशर को चेक करता है। किस तरह जब उस कान को सील कर दिया जाता है और फिर वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जनरेट होती है। अब ये जो टेस्ट है इसके अंदर टू ऑब्टेन टिम्पेनोग्राम एंड कैलिब्रेटेड प्रॉप स्टिमुलस इधर प्योर टोन्स और डब्ल्यू बी क्लिक्स इज प्रेजेंटेड टू द आउटर ईयर केनाल विद द माइक्रोफोन। एयर प्रेशर इन द एयर केनाल इज वेरिड अबव एंड बिलो एटमोस्फेरिक प्रेशर विच कैन कॉजेज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ऑस्कुलर चेंज टू स्टिफनेस। एज एयर प्रेशर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एयर केनाल द इम्पिटेंस फ्लोइंग इन टू द मिडल ईयर इज डिक्रीज सो द मोर साउंड प्रेशर रिमेन्स इन द एयर केनाल। अब ये आपके पास एक कार्डियोग्राम है। ये आपका एक साइड पर जो है वो कंप्लाइंस है और एक साइड पर प्रेशर है। अब ये टम्पेनोग्राम जो है ये आपको क्लियरली बता रहा है, इसके अंदर ये जो पीक बन रही है ये डिसाइड करती है कि आपका ये टम्पेनिक मिडल ईयर जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। अब ये जो आपको शो कर रहा है इसके अंदर जो है 200 डापा की जो प्रेशर है वो दिया गया है और उसमें जाकर कान के अंदर जो है वो पीक बन रही है, ग्राफ के ऊपर एक पीक बन रही है। तो इसका मतलब है ये हमारा नॉर्मल टिम्पेनोग्राम है जिसको हम टाइप ए कहते हैं। टाइप बी में जरा देखिए आप लोग, यहाँ पर भाई आपको एक तरफ साइड पर कंप्लाइंस नजर आ रहे हैं और दूसरी साइड पर आपको प्रेशर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको किसी किस्म की भी जो है वो पीक जो है वो नजर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ जो है ये प्रॉब्लमेटिक है, इसके अंदर प्रॉब्लम मौजूद है आपके मिडल ईयर के अंदर। अब आपके मिडल ईयर के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जी आपके मिडल ईयर के अंदर फ्लूड आ गया है और ओटाइटिस मीडिया आ गया है। ओटाइटिस मीडिया के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और ये कंडीशन जो है ये आपकी इंक्रीज कर रही है आपकी इंपीडेंस को, आपकी फ्लैटन कर रही है आपके ऑडियो टिम्पेनोग्राम को। अब ये आपका टाइप सी है। ये देखिए जी इस पे पीक बन रही है लेकिन ये पीक का जो लोकेशन है वो अलग साइज की है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमारे कोई प्रॉब्लम मौजूद है। अगले टाइप का टेस्ट की बात हम कर लेते हैं जो कि हमारा बिहेवियरल टेस्ट ऑफ हियरिंग है। अब ये दूसरी टाइप के हमारे टेस्ट है, यानी हम ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम बिहेवियरल टेस्ट की तरफ चल रहे हैं। अब ये वो टेस्ट है कि जिसके अंदर जो है वो बच्चा हमारा अभी भी उस पोजीशन पे नहीं आया है कि उन अपने टेस्टों के ऊपर जो है वो हमें रिस्पॉन्स कर सके थ्रू हेडफोन्स। तो ये टेस्ट उन बच्चों के लिए अप्लाई किया जाते हैं। अब बिहेवियरल ऑडियोमेट्री क्या है कि ऑडियोलॉजिस्ट विल बी मेजरिंग योर चाइल्ड्स हियरिंग लेवल्स फॉर सेवरल डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पिच ऑफ साउंड्स। दिस विल लेट द ऑडियोलॉजिस्ट जनरेट योर चाइल्ड्स ऑडियोग्राम द ओवरऑल पिक्चर ऑफ योर चाइल्ड हियरिंग। स्कूल एज चिल्ड्रन आर जनरली एबल टू रेज देयर हैंड्स और प्रेस अ बटन व्हेन दे हियर द टोन्स। हियरिंग टेस्ट फॉर यंग चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन विद एडिशनल नीड्स कैन रिक्वायर अ लिटिल मोर creativity. The audiologist will work with you to figure out how your child can demonstrate it or his or her best hearing. अब टाइप्स है, इसकी जो चार टाइप्स है हमारे पास, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री है BOA, नंबर टू विजुअल रिइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री है VRA, थ्री प्ले ऑडियोमेट्री है, फोर स्पीच रिकॉग्निशन टेस्ट है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमीट्री BOA। ये वो टेस्ट है जिसके अंदर आपने हेयरिंग का बिहेवियर जो है साउंड के ऊपर उसको रिस्पोंड करना है और इस यहाँ पर प्ले ऑडियोमीट्री, प्ले रिस्पॉन्स ऑडियोमीट्री रिक्वायर्ड पॉसिबल नहीं है। ये तकरीबन 6 माह की उम्र से बच्चों का ये टेस्ट होता है और जिसके अंदर जो है वो इस काबिल नहीं होते कि आवाज़ की तरफ अपने कान को मोड़ सके। और ये टेस्ट जो है सप्लीमेंट है BOA का, नेसेसरी है।
ऑडिटरी सिग्नल प्रेजेंट टू द इनफेक्ट प्रोड्यूस अ चेंज इन अ बिहेवियर अलर्टिंग सेरेशन ऑफ एन एक्टिविटी और वाइंडिंग और आईज, यानी वो अपनी आईज को सिर्फ ब्लिंक करता है, अपनी आईज को मूवमेंट करता है। इसके अंदर फर्दर हमारे पास तीन किस्म के टेस्ट हैं, एक को हम कहते हैं जी मैरो रिफ्लेक्सेस, दूसरे को हम कहते हैं जी कॉक्लियो पेला फेरल रिफ्लेक्सेस और सेशन रिफ्लेक्सेस। अब मारो रिफ्लेक्सेस जो है ये सडन मूवमेंट है लिम्स की, आपके हेड की, जहाँ पर 80 से 90 डीबी की साउंड्स के ऊपर आता है। इसके अंदर कॉक्लियो पेला पेबल के पेबरल के अंदर जो है वो चाइल्ड रिस्पॉन्ड करता है ब्लिंकिंग टू द लाउड साउंड्स, लाउड साउंड उसके पास आती है तो वो अपनी आइज को ब्लिंक करता है। सेशन रिफ्लेक्सेस के अंदर, इसके अंदर जी आपका पेशेंट जो है इन्फेंट जो है बच्चा जो है जो 6 माह से कम है वो रोना शुरू कर देता है अगर उसको 90 डीबी की आवाज दी जाती है। अब अगली आ जाती है विजुअल रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। अब विजुअल रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री जो है ये अलाउ करती है ऑडियोलॉजिस्ट को कि असेस करे हेयरिंग इन्फेंट्स की और टॉडलर्स की जो कि बहुत यंग है नॉर्मल टेस्ट के लिए। अब विजुअल रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री जो है ये रियलाइज करती है बिहेवियरल कंडीशन को ट्रेन वेरी यंग चाइल्ड टू रिस्पॉन्ड द साउंड। इट इज डिजाइन फॉर द चिल्ड्रन एज 6 months टू अराउंड 2 to 3 years ओल्ड। इसके अंदर जी टेस्ट टेक्निक्स हैं, इसके अंदर जी टेस्ट टेक्निक इज सूटेड टू इन्फेंट्स एज 7 or 8 months टू 3 years डेवलपमेंटली। द चाइल्ड इज टॉट कंडीशनड टू टर्न देयर हेड व्हेन द साउंड इज हियर। इनिशियल कंडीशन इज अचीव्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टिमुले एट मॉडरेटली हाई लेवल्स। When child look for a source of sound, they are shown a colorful moving puppet or toy under illumination as a reward. During this test, the child will sit on the mother's lap or chair while sounds are presented. The baby will be taught to link the sound to the visual reward such as a toy or computer screen lighting up. Once your child is able to associate the sound and the visual reward, the volume and the pitch of the sound will be varied to determine the quietest sound your child hear. अब ये जो बिहेवियरल टाइप ऑफ टेस्ट हैं इसके अंदर जो है आपके बच्चे का रिस्पॉन्स चूंकि आपको साथ साथ में रिक्वायर्ड है तो इसके लिए आपको बच्चे को कंडीशन करना पड़ता है, यानी बच्चे को पहले अपने साथ एसोसिएट करना पड़ता है, अपने साथ इन्वॉल्व करना पड़ता है, देन ही जाकर आप उससे डिजायर रिस्पॉन्स कलेक्ट कर सकते हैं। प्ले ऑडियोमीट्री, प्ले ऑडियोमीट्री इज सूटेड टू द चिल्ड्रन एज अराउंड 3 to 7 years developmentally. The child is taught to respond use as predetermined task whenever the hair tonal stimulus that are introduced through a headphones or taught a bone conductor placed behind the ear on the mastoid gives stiffness cooperation from the child is usually possible to produce a complete and accurate audiogram that accelerates their thresholds of hearing for a predetermined frequency range. अब इस टेस्ट के अंदर प्रोसीजर क्या है जी, ड्यूरिंग दिस टेस्ट साउंड्स विल बी प्लेड थ्रू द हेडफोन्स और स्पीकर एंड योर चाइल्ड विल एबल टू आस्क टू परफॉर्म अ सिंपल टास्क व्हेन दे हेयर द साउंड। दिस मे बी वेरी फ्रॉम पुटिंग अ बॉल इन अ बकेट टू कंप्लीट अ पजल। As with the visual response audiometry, the volume and the pitch of the sound will be varied to determine the quietest sounds your child is able to hear. इसके अंदर बच्चे को आवाज के साथ उसको रिस्पॉन्स देने के लिए उससे कुछ काम करने के लिए दिया जा सकता है, जैसे कि आप एक बॉल जो है आवाज आए तो बॉल आप बास्केट में डालिएगा। अब इसके प्रोटोकॉल्स आपको पता ही हैं, चिल्ड्रन हु आर डिफिकल्ट टू स्क्रीन ड्यू टू द एज और डेवलपमेंटल लेवल, पर्पस क्या है, ऑब्टेन वैलिड रिजल्ट विद द यंग चिल्ड्रन एजेस 3 to 4 years और दोज चिल्ड्रन हु हैव डिफिकल्टी विद स्टैंडर्ड प्योर टोन ऑडियोमेट्रिक मेथड्स। डिस्क्रिप्शन, अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्योर टोन स्क्रीनिंग प्ले ऑडियोमेट्री कंडीशन द चाइल्ड टू रिस्पॉन्ड टू द साउंड बाय प्लेसिंग अ टॉय इन अ कंटेनर रेदर देन रेजिंग देयर हैंड। Equipment, pure tone audiometer, stickers and small child safe toys such as animals, airplanes, cars, clothespins, nested box or pegs or pegboards. Facilities, appropriate size of table and chair in a quiet comfortable sitting with the limited distractions. Procedure, first practice without the headphones on. Lay headphones on the table, face
facing the child with audiometer set at 2000 hertz and maximum dB level to the ensure tone is audible. Hold the toy near your ear. Assume a listening attitude and present tone. Indicate through facial expression the sound was heard and then drop the toy in the container, such as pail. Repeat as often as necessary until the child shows interest. Offer the toy to the child and place your hands on there to guide the first responses. Encourage the child to wait until they hear the sound. When the child appears ready, present the sound and guide the child hands to put the toy in the container. The child may give consistent responses after only one demonstration or may need several demonstrations to respond on their own. यही जो बात मैंने पहले की थी कि आपने पहले बच्चे को कंडीशन करना है और उसके लिए आप हो सकता है कि आपका बच्चा जो है वो फर्स्ट टाइम में ही आपको रिस्पॉन्स दे दे और समटाइम्स हमें बच्चे के साथ 2 से 3 सिटिंग्स रखनी पड़ती हैं ताकि बच्चा हमें रिस्पॉन्स करे और एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो हम अपने अपने ऑडियोग्राम पर प्ले कर सकें. Once a child understands the play audiometry technique, use the audiometry procedure as described in the pure tone audiometry screening section. Reward the child with praise after initial responses. If it is not effective, a tangible rewards like stickers may be given. If child still is unable to do screening after re-instruction, stop and document unable to screen. यानी आपने लगे नहीं रहना, अगर बच्चा उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपने उसको अनेबल टू स्क्रीन कर देना. Consideration kiya jee toy tone to present times varies between children. Some children will drop the toy as soon as they hear the tone. Other will wait until the sound goes off before dropping the toys. If the child does not accept the headphones, the screener should not try putting them on for only 1 or 2 seconds, removing and rewarding the child. Slowly increase the time with the headphones on. The tempted child will often benefit from watching other children successfully completing the screening. If the child is not screened, refer to rescreen and refer to. This one is the image for play audiometry. A screen speech recognition test. A speech recognition test determines your ability to both hear and understand normal conversation. They measure the softened sound that your hear can pick up and how clearly you comprehended spoken words. ये अब आपका speech recognition test है कि ना सिर्फ आपने सुनना है बल्कि आपने जो बोले गए अल्फाज हैं वो कितने आपको comprehend हुए हैं इसके बारे में आपने बताना है. इसका procedure ये है जिस speech recognition test में भी performed in either silent or noisy environment depending on the specialist and their analysis of your hearing needs. Normally one ear is tested at a time, not both at once. The test itself is very simple. The specialist will probably give you headphones and present a series of words to you, each time varying the loudness or intensity of the speech. They will ask you to repeat back the words. Generally, a list of pre-selected words are used for the test. Once you are hearing correctly, only 50% of the time, the test will end and the result will be determined. In this way, they will be able to determine at what threshold of sound you can no longer understand speech very well. Though simple, the test can be frustrating for some if they experience a more severe hearing loss, as they will not able to hear or repeat most of the words. Result, in this way, they will able to determine at the what threshold of the sounds, no longer understand speech very well. Though simple, the test for frustrating those people who have severe hearing loss because they are not able to hear or repeat most of the words.